सोच विचार मीडिया, सोच आपकी नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में, मैं ममता सोनी। भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू की खास मुलाकात। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रमुख डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान जी से खास मुद्दों पर खास बातचीत हुई, जो सोच विचार मीडिया के समक्ष रखा गया। आइए देखते हैं। सभी को यहां जितने उपस्थित है, सबला सेवा जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हम पूरे ऐसी जो शक्ति हमारी कहते हैं युवाओं के कंधे पर, ये पूरा देश प्रदेश टिका हुआ है, पूरी मतलब विकास से लेकर हमारी जो क्रांति कहते हैं, जिसको कहा गया है युवा क्रांति, युवा क्रांति से ही बदलाव आता है और प्रगति के पथ पर जो विकास का हम पहिया जो होता है, वो हमारे काफ़ी जिम्मेदारियों पर, राष्ट्र और प्रदेश की जिम्मेदारियों आज युवाओं पर है। और इस ही को कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज ये प्रथम श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं, जो काफ़ी चर्चित स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। ये जो नारा दिया गया है, सबका साथ सबका विकास, इसी नारे की श्रृंखला को हम परिचर्चा पे लगातार सोच विचार मीडिया आपके समक्ष लाती रहेगी और लोगों के विचार को आपके सबके सामने रखकर कि हमारा राष्ट्र कैसे विकास करेगा, हमारा प्रदेश प्रगति कैसे होगी, हमारे युवाओं की क्या सोच है, हमारे जो भी इसमें समाज में जो भी अलग अलग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन सबकी विचार कड़ी परिचर्चा कड़ियों में दिन प्रतिदिन हमारा ये सोच विचार रखता रहेगा। आज इसी कड़ी में वो आपके उभरते हुए छत्तीसगढ़ के, जो कहना चाहिए कि हमारे जो युवाओं के, हमारे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये जो काफ़ी हमारा चर्चित नारा रहा है और सबले बढ़िया, ऐसे युवा हमारे बीच उपस्थित हुए अमित साहू जी। जो अमित साहू जी जो आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवाओं को संगठित करके आगे बढ़ रहे हैं, हम उन्हीं से उनके विचार जानेंगे। पहला हमारा सवाल होगा अपना अमित साहू जी से कि ये बताएं कि हमारा जो आज छत्तीसगढ़ है, आज छत्तीसगढ़ में अपने जो नौजवान युवा हैं, लगभग कितने बेरोजगारी का इसका सफर कर रहे हैं, यदि आंकड़ा हो तो आंकड़े से बताएं, या किस जगह पे पाते हैं, इस बारे में मैं चाहता हूं कि यदि हमारे छत्तीसगढ़ आज 21 वर्ष हुआ है तो आज युवाओं की हमारी क्या दशा दिशा है, इस बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप सब जनला जय जय श्री राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। और आपके चैनल के माध्यम से आप सब जनला मैं जय जोहर भी करता हूँ। चैनल का नाम भी सोच विचार है, बने सुघर नाम है, जो एक विचार के क्रांति पैदा करी, ऐसे नाम है आपके चैनल के। ये चैनल आप खोले होकर ले भी बहुत बहुत मैं आप मल्ला शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। आज जिसे आप सवाल कर रहे हो कि छत्तीसगढ़ आज कौन सा पायदान में पहुँच गए हैं, देखो छत्तीसगढ़ आज जब से छत्तीसगढ़ के जन्म हुए है, छत्तीसगढ़ आज एक युवावस्था में पहुँच चुके हैं। छत्तीसगढ़ अपन 20 बच्छर ला पार कर चुके हैं, 21वां बच्छर में छत्तीसगढ़ आज चलत है और कहीं ना कहीं एक वयस्क छत्तीसगढ़ के रूप में आज ये छत्तीसगढ़ हमन देखा था, कहीं ना कहीं अपन आप में आज ये छत्तीसगढ़ सशक्त छत्तीसगढ़ बन चुके हैं, एक ताकतवर छत्तीसगढ़ बन चुके हैं, एक अद्भुत छत्तीसगढ़ बन चुके हैं, जो पूरा भारत देश में ये राज्य अपन आप में एक अलग पहचान और एक अलग अमिट छाप छोड़े, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ आज यहाँ स्थापित हो चुके हैं। क्या बात, बहुत सुघर सुंदर बात कहे कि मोर आज 21 वर्ष के नौजवान छत्तीसगढ़, अद्भुत छत्तीसगढ़ के आज हम दृश्य देखा था। तो ये जो आप जो देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की, इसकी विकास पर जो हमने कहते हैं जैसे पायदान के बात करे हो, तो हमारे छत्तीसगढ़ के वैसे तो बात तो पूरा कह दे, फिर भी एक जैसे हमन कहते हैं कतेक पाथा से कतेक वोट देवे कि हमारे विकास के परिधि है, एक पायदान पर कितना प्रतिशत में पहुँचे, ये बारे में तुम्हार मन के का सोच है, यहू ला बताओ ज़्यादा अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं मोर सोच ऐसे है कि देखो मैं जब ले छत्तीसगढ़ के जन्म हुईस, अब हमन महतारी के दर्जा देते हैं छत्तीसगढ़ ला, मगर फिर भी जब ले होकर जन्म हुए है, हम जन्म के ही बात करते हैं, वर्ष 2000 में हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्य के निर्माण हमारे पूरा भारतवर्ष में हुआ है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड घलोक बनीस, उत्तराखंड घलोक बनीस, मगर आज ये तीनों राज्य के अगर हमन गणित अपन हिसाब से निकालबो तो सबसे अव्वल जो है विकास कर रही है जो है छत्तीसगढ़ है। सबसे विकसित जो आज राज्य है अपन आप में वो है छत्तीसगढ़ है और कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ पूरा भारत में कहीं ना कहीं एक विकसित और खनिज और संपदा से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ है, ऐसे मोर विश्वास है। बहुत अच्छी सुंदर बात कही कि अमीर धरती के अमीर लोग हैं अमन, अमीर धरती के अमीर के, और जो विकास हमारे परिधि रहे, जो
चलते झारखंड और अपना उत्तराखंड के साथ आज छत्तीसगढ़ है वो मेरे नंबर एक आते, ये हमारे युवा के आज विचार है। अमित शाह जी, और मैं एक आज मोला पता चले है कि आप मन शहर में शराब जो हमारे चला थे, शराब है जो परिवार टूटा थे, कई ठो विघटन आते, जो नशा के जो एक आदत है वो कर खिलाफ भी आप मन काफ़ी आवाज़ बुलंद करत हो, आज भी आप मन शराब के खिलाफ एक आंदोलन राजधानी में करे हो, पूरे आह्वान रही से पूरे प्रदेश में चले गए, और ये शराबबंदी के जो आप मन बीड़ा उठाए हो ये कैसे ढंग से बंद हो ही, ये मैं कैसे आप मन युवा और परिवार ला बचाऊँ, ये मैं आखिरी आप मन से संदेश हम जानना चाहते हैं कि शराब ला आप मन जो उठाए हो कि बंद होना चाहिए, ये ला अपन युवा और मातृशक्ति जे तक देखते हैं नशा के शिकार मन वो परिवार ला आप कैसे संदेश देना चाहते हो वो बारे में बताओ। देखो ये चीज़ हमन सब जन जाना था कि 2018 में जब चुनाव होत रही से, चुनाई होत रही से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा सरकार के चुनाई होत रही से, जिमें यहाँ के कांग्रेस के जम्मो पदाधिकारी मान ओकर अध्यक्ष ओकर जतका कार्यकर्ता है सब जन मिल के अपन घोषणा पत्र में एक वादा कर रही छत्तीसगढ़ के जनता ला कि अगर हमन सरकार में आबो, अगर हमन सरकार में आबो तो छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराब बंदी करबो, ये वादा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के वर्तमान के सरकार, आप तो सरकार में भी आ चुके हैं मन, ये मन कर रही से, मगर आज ढाई साल हो गए शराब बंदी तो छोड़, यहाँ भरे कोरोना काल में लोगन मल्ला पिए पर दूध और पानी नहीं मिलत रही से, तभी सरकार रही से जो भट्टी में लंबा लंबा लाइन लगवा के शराब ला बेचवाइस, लाइन लगाए के बाद उमन अतिक सरवना काम कर रहे कि शराब के होम डिलीवरी जैसे काम लभी मन अंजाम दिस ताकि शराब घर घर पहुँचे, तो आज कहीं ना कहीं अपन घोषणा पत्र में ये कांग्रेस सा लिखित छत्तीसगढ़ के जनता मन से वादा कर रही इसके शराब बंदी कर वो, मगर आज शराब बंदी छोड़ शराब बेचे के काम ले मन कैसे प्रफुल्लित करे, बढ़ाए के काम करे, अब एकर से यही चरितार्थ होते कि ये छत्तीसगढ़ के सरकार जो है एकर जीवन यापन जो चलत है सिर्फ और सिर्फ शराब के मुद्दा पे, शराब के कारण, ये मतलब कोई फर्क नहीं पड़े कि छत्तीसगढ़ का जनता कौन सा काल में आज जा चुके हैं, छत्तीसगढ़ की युवा कौन सा काल में समा चुके हैं, अभी वर्तमान के घटना हम देखे रहे हैं, एक महतारी अपन चार बेटी मन लेके ट्रेन के सामने कूद के आत्महत्या कर लेते, ओकर कारण सिर्फ थे शराब, कोपरा में दस गात्र कार्यक्रम से लौटा दरी से गाड़ी के बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाते, वो में भी 6 महिला मन के मृत्यु हो जाते, ओकर कारण भी से कि शराबी चालक और शराब, और ऐसे कई चाकूबाजी की घटना ही राजधानी रायपुर के करत हो, शराब भट्टी के बाहर आए दिन हत्या होते, आए दिन शराब के नाम से शराब पी के हुड़दंगबाजी करत है, आए दिन चाकू चलाता, आए दिन छत्तीसगढ़ के युवा मन के हत्या होते, आए दिन छत्तीसगढ़ के महिला मन ऊपर प्रताड़ना होते, तो कहीं ना कहीं मैं युवा साथी मन से भी अपील करता हूँ कि शराब से भी अपन दूर रहो, और कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ सरकार ले भी आज जैसे कि मैं आंदोलन करें वादा याद दिलाओ आंदोलन, 2 दिन के मोर आंदोलन रही से, एक वादा मन हम युवा मन से भी ये कर रही से कि छत्तीसगढ़ के जतेक बेरोजगार युवा मन हैं वो मतलब जब हमार सरकार बनी तो हमन 2500 रुपया मासिक बेरोजगारी भत्ता देबो, मगर 2500 तो दूर, आज 2.5 बरस हो गए 25 पैसा तक वे सरकार है नहीं दे, और 2.5 वर्ष हो गए अर्थात 30 महीना हो गए सरकार ला बने, अगर एक एक युवा अपन बेरोजगारी भत्ता के सरकार ले मांग कर ही तो 30 ला अपन गुणित अगर 2500 से करबो तो एक एक मोर युवा साथी भाई मन के ये छत्तीसगढ़ के सरकार के ऊपर 75,000 रुपये के 2.5 साल के कर्जा चढ़ गए है, यही मुद्दा ला लेके आज हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर जाते रहे, दारू के बोतल लेके जाते रहे, ओकर कटआउट बना के जात रहे, भूपेश ब्रांड दारू, कवासी लखमा दारू, ये सब चीज हमन बना के जात रहे, और पूरा छत्तीसगढ़ में मैं सबो जिला अध्यक्ष मल्ला आह्वान कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में 70 छिन कांग्रेस के विधायक है, सबो विधायक मल्ला जाके महिला विधायक मल्ला तो शराब के बोतल दे के उचित नहीं हो, मतलब सिर्फ ज्ञापन दू ताकि सम्मान हमला भी करना है संस्कृति पार्टी का आदमी, मगर जो आदमी विधायक है ते मतलब जरूर दारू के बोतल दे के बोला याद दिलाऊ ओकर ध्यान मिलाऊ कि आप मन सरकार जब बनाते रहे तब वादा करे रहो पूर्ण शराब बंदी करे के, आपन वादा करे रहो बेरोजगार युवा मतलब 2500 रुपये धू करके, तो ये मुद्दा ला लेके आज बहुत बड़े में आंदोलन भी कर रहा हूँ, पूरा छत्तीसगढ़ में आंदोलन, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस से 70 विधायक के घर तक हमारे मन के कार्यकर्ता पहुँचे, मतलब आवेदन दे मतलब निवेदन भी करे, एक बाद भी अगर ये मतलब शुद्ध बुद्ध नहीं रही छत्तीसगढ़ के युवा मन के, ये मतलब अगर शुद्ध बुद्ध नहीं रही छत्तीसगढ़ के महतारी मन के
तो यही युवा मोर्चा आज छत्तीसगढ़ में एकर गुइया में उतर के ऐसे उग्र आंदोलन करी कि सरकार झुके भर पड़ी। मगर मैं ये सब चीज में महतारी बहनी मन के भी साथ चाहता हूँ, मोर युवा साथी मन के भी साथ चाहता हूँ कि आप मन भी भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ो और कहीं ना कहीं ये सरकार के खिलाफ आवाज़ ला बुलंद करो। यही निवेदन के साथ अपन वाडीला में विराम खलो। बहुत दूरदर्शिता बात कहे है अमित है कि हमार जो सरकार अभी चलत है वोकर जो घोषणा पत्र ही से वो मैनोफेस्टो के हमन जो वादा निभाओ के बात मुद्दा ला पूरा राष्ट्र और प्रदेश में वो ला सुरता कराए बार आज ये अभियान के द्वारा हमने उनको अवगत कराया है। और इस अवगत में यदि सरकारें अपनी ध्यान नहीं देती है तो आगे जो हमारा कार्यक्रम होगा वो भी रणनीति पार्टी के जो गाइडलाइन होगी उसके अनुसार काम किया जाएगा। बहुत सुंदर बहुत अच्छी बातें रखी अमित ने। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सेवा जोहार सभी। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।